एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज कोमल व्यास शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अद्वैत एजुकेशन स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। और आज हम पढ़ेंगे सेवेंथ शेड्यूल के बारे में, हिंदी में कहूँ तो सातवीं अनुसूची के बारे में, जिसमें तीन लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें ये बताया है कि सेंटर के पास में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर सिर्फ सेंटर ही लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं या फिर मैं कहूँ तो वो टॉपिक्स दिए गए हैं जिस पर स्टेट जो है वो लॉ बना सकती है, और कॉन्करेंट में ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पर स्टेट और सेंटर दोनों लॉज बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए, सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर में पूरे लिस्ट दी गई है। आर्टिकल 246 इस बारे में बात करता है। आर्टिकल 246 में सारे रूल्स दिए हुए हैं कि किस तरह से लॉज जो है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर बन सकते हैं और कौन बना सकता है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, मैंने क्या बोला, तीन लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जब संविधान बना था, जब ये अनुसूची आई थी, उस टाइम पर 97 सब्जेक्ट्स थे जिस पर यूनियन जो है वो लॉज बना सकती थी, लेकिन अब कितने हैं, 100 हैं। तो करेंटली पूछेगा तो आप कितना डालोगे, 100। सेम स्टेट लिस्ट में पहले 66 थे, लेकिन अभी करेंट में कितने हैं, 61। तो इसके पांच कहाँ गए, इसके जो 5 लॉज हैं उन्हें कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया, ये सोचकर कि वो उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पर जो सेंटर है वो भी क्या कर सकती है, लॉज बना सकती है। इसलिए कॉन्करेंट लिस्ट में पहले 47 थे, लेकिन अब है टोटल 52। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि किस लिस्ट में टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं जिस पर लॉज बन सकते हैं। चलिए अब सबसे पहले पढ़ते हैं यूनियन लिस्ट के बारे में। तो केंद्र के पास में जो शक्तियां हैं कि वो लॉज बना सकती है कितने सब्जेक्ट्स में, तो जैसा कि मैंने कहा था कि पहले थे 97, लेकिन अब कितने हैं, टोटल 100। तो सेंटर हैज द एक्सक्लूसिव पावर्स टू मेक द लॉज, कानून बनाने की केंद्र के पास में ही विशेष शक्तियां हैं, मतलब वो पर्टिकुलर टॉपिक पर सिर्फ केंद्र ही क्या कर सकती है, कोई भी कानून ला सकती है। और ये चीज क्या डिपिक्ट करता है, ये डिपिक्ट करता है एक स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि जो केंद्र है वो क्या है, ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू स्टेट। रीजन है, हमारा देश क्या है, क्वासाई फेडरल है और एक यूनिटरी टिल्ट के साथ में, कि कहीं ना कहीं जो सेंटर है उसके पास में ज्यादा पावर्स है और इसीलिए उनके पास में ज्यादा सब्जेक्ट्स भी हैं, उनके पास ज्यादा टॉपिक्स भी हैं जिस पर वो लॉज ला सकते हैं। और बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जो नेशन वाइड आप कह सकते हो, जो इंपॉर्टेंस रखते हैं नेशन वाइड, तो वो सारे सब्जेक्ट्स जो है वो सेंटर के अंदर में लाए जाते हैं। तो देखिए, ऑल इश्यूज दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द नेशन, नेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट है एंड रिक्वायर्स द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द लेजिस्लेशन वर्ल्ड वाइड, है ना, कि नेशन वाइड में जो यूनिफॉर्मिटी चाहिए कि हाँ जम्मू एंड कश्मीर में भी सेम लॉ की जरूरत है, वही लॉ आपके महाराष्ट्र में जरूरत है और वही लॉ आपके केरला में भी जरूरत है। तो नेशन वाइड जिस लॉज की हमें कॉमनली जरूरत पड़ती है, तो उन टॉपिक्स पर कौन लॉ बनाएगा, सेंटर लॉ बनाएंगे, है ना। तो यूनियन लिस्ट में ही उन्हें क्या किया गया, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो सभी मुद्दे जो राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है और राष्ट्रव्यापी कानून की एक रूपता की आवश्यकता है जिसके लिए, तो उन्हें संघ सूची में शामिल किया जाता। बिकॉज देखिए, सेंटर में, स्टेट में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज की गवर्नमेंट है तो सबके अपने अलग सोच होती है, लेकिन सेंटर एक कॉमनली वर्क करता है। तो वो सब टॉपिक्स जिस पर हमें ऐसा एक मत चाहिए कि ऑल ओवर इंडिया में वही चीज चलेगी, तो वो सब टॉपिक्स को स्पेशली क्या किया जाता है, यूनियन लिस्ट में डाला जाता है। तो चलिए सब वो टॉपिक्स को देख लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। पहले एक बार टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक चीज देखिए, 88th अमेंडमेंट लाया गया था और इसके तहत एक नए सब्जेक्ट को यूनियन लिस्ट में ऐड किया गया, जो कि था टैक्सेस ऑन सर्विसेज। टैक्सेस ऑन सर्विसेज मतलब सेवाओं पर कर, रेस्टोरेंट पे आप खाना खाने जाते हैं, आप मूवीज देखने जाते हैं, तो ये सब क्या है, सर्विसेज है। तो ये जो सर्विस टैक्स होता है ये सेंटर द्वारा लगाया जाता है बाय 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब तो जीएसटी आ गया तो इसकी तो बात ही नहीं। अब नाउ लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट
कैन कन्फर पावर्स एंड इम्पोज ड्यूटीज ऑन अ स्टेट। तो स्टेट के ऊपर में ड्यूटीज लगा सकते हैं, अपनी पावर्स को स्टेट के ऊपर में थोप सकते हैं। कौन? जो सेंटर होता है ना, तो पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगी तो वो स्टेट को माननीय होना चाहिए, भले उन्हें पसंद आए या फिर ना आए। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पिक्चर के हिसाब से बताऊं तो एटॉमिक एनर्जी है ना, एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स जो होते हैं, तो भाई ये तो ऑल ओवर इंडिया का एक ही रहेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट एटॉमिक प्लांट्स होंगे, है ना। तो ये पूरे देश का एक रहेगा, इसलिए इससे रिलेटेड जो भी कानून है ये कौन बना सकता है? सेंटर बना सकता है। अगर मैं बात करूं डिफेंस की, तो डिफेंस भी ऑल ओवर इंडिया में एक ही डिफेंस रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि हर स्टेट के लिए अलग अलग डिफेंस हो। तो बिकॉज एक ही डिफेंस है तो इसलिए इसका ये किस में जाएगा? आपका यूनियन लिस्ट में, कि एक ही लॉ बनेगा ऑल ओवर इंडिया के लिए। अगर मैं बात करूं रेलवेज, तो रेलवेज भी गवर्नमेंट के हाथ में है ना, रेलवे भी आपकी एक ही है पूरी जगह में, तो इस पर इसका भी अधिकार किसके ऊपर है? सेंटर के ऊपर में है ना इसका अधिकार, तो सेंटर चाहे तो इस पर रूल्स बना सकती है। समझ आया? एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, रेलवेज। आगे बढ़ते हैं सिटीजनशिप। अभी एनआरसी आया था, सीएए आया था, तो सिटीजनशिप पर किसने लॉ बनाया? पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, क्योंकि उनके पास ये अधिकार है। तो सिटीजनशिप का अधिकार किसके पास में है? पार्लियामेंट के पास में। मैं बात करूं अगर हाईवेज की, ये देखिए ये फोटो में आपको समझ आ रहा होगा ये क्या है आपका हाईवेज। तो हाईवे से रिलेटेड जो भी लॉज रहेंगे ये भी कौन बनाएगी? सेंटर बनाएगी। यहाँ पे देखिए ये है आपका पोर्ट, जितने भी इंडिया में पोर्ट्स हैं, तो ये सब भी किसके कंट्रोल में होते हैं? सेंटर के कंट्रोल में, और सेंटर के पास में ही ये पावर्स होती है कि वो इससे रिलेटेड क्या करे, लॉज बनाए। चलिए आगे बढ़ते हैं बैंकिंग। अभी देखिए नेशनल जो भी बैंकिंग का प्राइवेटाइजेशन की बातें चल रही हैं, तो ये कहाँ चल रही है? पार्लियामेंट में चल रही है, राइट। तो सेंटर हैज द पावर कि वो बैंकिंग से रिलेटेड लॉज लेकर आए। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड भी सारी चीजें सेंटर के पास होती है, एंड सेम इज द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड भी चीजें किसके पास में होंगी? सेंटर के पास में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो ये सब कंट्रोल में आते हैं किसके? सेंटर के। शेयर मार्केट बोलते हैं ना जिसे। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी सारी चीजें, 4G 5G जो चल रहा है, तो ये सब क्या है? कम्युनिकेशन, इंटरनेट है, तो इस पर लॉस कौन बनाएगा? सेंटर बनाएगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के लिए आपको एक कॉमन चीज चलानी है। देन अगर मैं बात करूँ इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस से रिलेटेड भी जो लॉज लाने होंगे तो ये सब सेंटर लेकर आएगी। और इंटरनेशनल रिलेशंस, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, देखिए है तो 100, पर 100 तो यहाँ पे बताना नहीं हो पाएगा, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो रिपीटेडली आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशंस। और देखिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता भी है जब भी एग्जाम में, तो आप खुद भी एक चीज को सोच सकते हैं, जब आप न्यूज देखते हैं या समथिंग, तो आपको खुद समझ आता होगा कि ओके इस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या हो रहा है कि पार्लियामेंट ही लॉज बना रही है। बहसबाजी किस में हो रही है? पार्लियामेंट में हो रही है, एक पर्टिकुलर बिल को लेकर, किसी एक्ट को लेकर, किसी लॉ को लेकर। तब उससे आपको आप कनेक्ट कर सकते हो कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज जो है, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है, ये यूनियन लिस्ट में आती है या फिर स्टेट लिस्ट में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टेट लिस्ट के बारे में। अब देखिए अगर मैं बोलूं स्टेट लिस्ट, तो 61 है आज की डेट में सब्जेक्ट्स जिसके ऊपर में स्टेट क्या कर सकती है? लॉज बना सकती है। पहले कितने थे? 66 थे। तो लॉज कैन बी मेड ऑन द सब्जेक्ट्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कि पूरी तरह से राज्य सरकार के पास में ही अधिकार होता है कि वो क्या कर सकती है, इस पर लॉ बना सकती है। इसमें सेंटर अपना टांग नहीं अड़ाएगा ज्यादा। अब आर्टिकल 249 में लेकिन क्या दिया गया है? देखिए आर्टिकल 249 काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो स्टेट सब्जेक्ट जो होते हैं, है ना, स्टेट लिस्ट के अंदर में जो स्टेट के लिए सब्जेक्ट्स हैं, उस पर भी क्या कर सकती है? पार्लियामेंट भी लॉ ला सकती है, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस हैं। क्या है उनको देखेंगे। तो ये चीज समझ में आया, सब्जेक्ट इनुमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट, लेकिन वो नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब राष्ट्रहित। तो राष्ट्रहित में राज्य सूची में उल्लेखित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति, तो संसद के पास में यह शक्ति है कि वो कानून बना सकती है राज्य सूची के किसी भी टॉपिक के ऊपर में, राष्ट्रहित के लिए,
ये सेंटेंस को आपको याद रखना है, तब समझ आएगा। तो ये किस आर्टिकल के अंदर दिया गया है? आर्टिकल 249 के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीन कंडीशंस आपको मालूम होने चाहिए कि कब सेंटर जो है, पार्लियामेंट जो है, वो स्टेट लिस्ट पर लॉज बना सकती है। तो इसके तीन कंडीशन है। पहला क्या है? अगर राज्यसभा ने कोई रेजोल्यूशन पास किया। देखिए राज्यसभा को क्या कहते हैं? आई ऑफ द स्टेट कहा जाता है। हर स्टेट से एक प्रोपोर्शनल लोग जो है वो राज्यसभा में रहते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं राज्यसभा के। तो राज्यसभा ने अगर कोई संकल्प को पारित किया है, किसी रेजोल्यूशन को पारित किया है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर हम चाहते हैं कि भले ही वो स्टेट्स लिस्ट का कोई टॉपिक हो, लेकिन उस पर कौन कानून बनाए? पार्लियामेंट कानून बनाए, तो कानून बन सकता है। दूसरा कंडीशन क्या? अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई, पूरी की पूरी तरह से अपने नेशनल इमरजेंसी अगर लग गई, तो उस टाइम पे भी जो स्टेट है उसके पास में कोई पावर्स नहीं रहेगी, और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे स्टेट लिस्ट के, उस पर सिर्फ सेंटर का अधिकार हो जाता है। पूरी तरह से नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है? आपका सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, पूरी पावर्स एक पर्टिकुलर पर्सन के पास हो जाती है। थर्ड, व्हेन टू और मोर स्टेट्स, अगर दो या दो से अधिक स्टेट्स ने कोई रेजोल्यूशन को पास किया है अपने खुद के विधानसभा, विधान परिषद में, अगर दो या दो से अधिक स्टेट्स ने कोई रेजोल्यूशन पास किया है और पार्लियामेंट से ये रिक्वेस्ट की है कि स्टेट के अंदर में, स्टेट लिस्ट के अंदर में जो भी सब्जेक्ट है उस पर आप कानून बनाओ, ठीक है, पार्लियामेंट खुद से नहीं बनाएगा। जब दो या दो से अधिक स्टेट्स जो है वो क्या करेंगे, इसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे पार्लियामेंट से कि आप क्या कीजिए, आप कानून बनाओ। जो स्टेट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट है उसमें, अगर मैं हिंदी में बोलूं, जब दो या अधिक राज्य संसद से राज्य सूची के तहत विषयों पर कानून बनाने का अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित करते हैं, इस टाइम पे क्या होगा? फिर पार्लियामेंट क्या करती है, सेंटर क्या करती है, लॉ बनाती है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। इसकी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगी, मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे एक चीज समझो, अब जैसे ही स्टेट के लिए पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, अब क्या होगा? ऑन स्टेट रेजोल्यूशन द लॉ मेड, ठीक है, अब पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, लेकिन ये लॉ कहां पे एप्लीकेबल होगा? सिर्फ उसी राज्यों में एप्लीकेबल होगा जिन्होंने रेजोल्यूशन को क्या किया था, पास किया था। ये चीज आप याद रखिएगा, है ना, इज ओनली एप्लीकेबल टू सच स्टेट्स दैट पास्ड द रेजोल्यूशन, जिन्होंने उस रेजोल्यूशन को पास किया था, सिर्फ उसी स्टेट्स पर वो पर्टिकुलर लॉ जो है वो क्या रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा। अगर किसी और राज्य को भी वही लॉ अपनाना है तो वो अपना सकता है, लेकिन फिर उस राज्य को क्या करना होगा, एक रेजोल्यूशन पास करना होगा, बस एक प्रस्ताव पारित करने के बाद में दूसरे स्टेट्स भी उस पर्टिकुलर लॉ को अपने राज्य में यूज कर सकते हैं, है ना, एडॉप्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है, अब एक समय आने के बाद हो सकता है कि उस लॉ को खत्म करना हो या अमेंड करना हो, तो राज्य सरकार खुद से भी कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट के पास ही मेन अधिकार होगा उस पर्टिकुलर लॉ को अमेंड करना या फिर रिपील करना, हटाना, लेकिन स्टेट्स के पास में वो पावर्स नहीं होंगी। कब? दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। अगर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हो रहे हैं और कहीं ना कहीं वो लॉ अगर आपका एक बाधा बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल बन रहा है अगर बाधा, तब अगर सिर्फ पार्लियामेंट ही है कि वो उस लॉ को क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है या रिपील कर सकती है, स्टेट के पास में वो पावर्स नहीं होंगी। आपने तो लॉ बनाने की पावर दे दी ना पार्लियामेंट को, अब उनकी मर्जी, वो जो भी करे, आपको क्या टेंशन, या तो आपको पहले खुद ही लॉ बना लेना था। दूसरा, ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट रूल मतलब क्या होता है? स्टेट इमरजेंसी। तो अगर एक पर्टिकुलर स्टेट में अगर प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया गया, तो उसके अंदर के जितने भी लॉज रहेंगे, तो वो लॉ बनाने की शक्ति किसके पास आ जाएगी? पार्लियामेंट के पास में आ जाएगी। तो ये तीन कंडीशन आपको पता होने चाहिए कि पार्लियामेंट कब कब लॉ जो है वो बना सकती है स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए, और जब वो लॉज बना रही है तो वो किस तरह से अमेंड या रिपील हो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि वो कौन कौन से लिस्ट हैं
जो कि स्टेट के अंदर में आते हैं। एक और चीज है इसमें, देखिए स्टेट लिस्ट वाले इंपॉर्टेंस कौन से रखते हैं, जैसे सेंटर वाले, तो सेंटर में इंपॉर्टेंस कौन से वाले सब्जेक्ट्स थे जो कि नेशन वाइड एक होने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है। डिफेंस ऑब्वियसली ऑल ओवर इंडिया एक ही डिफेंस होगा वैसे, लेकिन स्टेट लिस्ट के अंदर में जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमेशा एक इंडिविजुअल की राइट्स को, एक लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए रखा जाते हैं उन सब्जेक्ट्स को, जो कि क्या है, मैटर ऑफ इंटरेस्ट एंड लोकल इंपॉर्टेंस हो जिनकी, है ना। और 20 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पर स्टेट लेजिस्लेचर क्या कर सकती है, टैक्सेस लिवाए कर सकती है। देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं उनको भी अभी देखेंगे। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991। अब देखिए इस संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ, स्पेशल प्रोविजंस दिए गए किसको, नेशनल कैपिटल को, नेशनल कैपिटल दिल्ली। तो दिल्ली के पास में पावर्स भी हैं और उनकी पावर्स को छीन भी लिया गया। क्या है, स्टेट लिस्ट के अंदर में तीन टॉपिक्स होते हैं, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। तो इस पर राज्य चाहे तो क्या कर सकता है, कानून बना सकता है, क्योंकि वो राज्य की सूची में दिया गया है। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है, दिल्ली में ये जो तीन पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं इस पर राज्य अपना अधिकार नहीं रख सकता, इस पर राज्य अपने कानून को नहीं बना सकता। ये तीनों पर कानून कौन बना सकता है, सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है फॉर दिल्ली, याद रखिएगा दिल्ली के लिए। ये हुआ था आपका 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 के तहत। तो देखो बच्चों, लॉज कैन नॉट बी मेड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट तीन ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पर लॉज नहीं बना सकती, भले ही वो सब्जेक्ट आपके स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं, फिर भी कौन कौन से हैं मैंने बता दिया आपको तीनों। ये देखिए ये तीन है, पिक्चर से आपको समझ आ रहा होगा, पब्लिक ऑर्डर, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा वहां डिस्टर्बेंस है ना, कुछ हो ना हो सब पहुंच जाते जंतर मंतर, तो इसीलिए पुलिस, और जब लोग पहुंच गए जंतर मंतर तो कहीं ना कहीं पुलिस को तो उनको रोकना पड़ेगा। तो अगर ये स्टेट के हाथ में रहेगा तो सेंटर को पहले स्टेट से परमिशन लेनी पड़ेगी और वो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है ना। तो इसलिए पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और थर्ड है आपका लैंड। तो ये तीन से रिगार्डिंग कोई भी लॉज जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट नहीं बना सकती, इस पर कानून कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। इसके अलावा देखते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो सब्जेक्ट लिस्ट के अंदर में आते हैं। बस ये तीन आपके एक्सेप्शन है ये सब्जेक्ट लिस्ट के ही अंदर में, लेकिन इस पर कानून कौन बनाएगा, सेंटर बनाएगा सिर्फ दिल्ली के लिए। अब देखिए पब्लिक हेल्थ, अगर मैं बात करूं पब्लिक हेल्थ की, पब्लिक हेल्थ तो अभी जो कोरोना चल रहा है तो मतलब इससे रिगार्डिंग जितने भी लॉज हैं तो ये कौन बनाएगा, ये स्टेट के पास में ये पावर्स है कि वो क्या करे, लॉज बनाए। सैनिटेशन, स्वच्छता, तो इससे भी रिलेटेड लॉज कौन बनाएगा, क्योंकि ये देखिए ये पर्टिकुलर पर्सन के इंटरेस्ट के लिए है ना, इसका नेशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मतलब उनसे भी है, एज अ सेंटर भी है नेशन वाइड, लेकिन एक पर्टिकुलर पर्सन हेल्दी रहेगा वो ज्यादा ठीक है ना, तो इसीलिए उस पर ज्यादा फोकस कौन करेगा, स्टेट लॉज करेंगे। थर्ड है आपका बेटिंग एंड गैम्बलिंग, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, तो इससे रिलेटेड भी लॉज कौन बनाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ये तीन भी आपके स्टेट सब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं। देन आएगा आपका फिशरीज, फिशरीज, एग्रीकल्चर। देखिए फार्म रूल आया था, एग्रीकल्चर पूछ सकता है, तो भले ही देखिए फार्म पर रूल्स बनाया किसने, पार्लियामेंट ने बनाया, लेकिन एग्रीकल्चर जो है ये किसके अंदर आता है, ये आता है आपका स्टेट लिस्ट के अंदर में, पूछ सकता है। इसके अलावा वाटर, तो ये तीन भी हैं जो कि किसमें आएंगे, आपके स्टेट लिस्ट में, कुछ इंपॉर्टेंट बता रही हूं मैं। तो ये रहे आपके स्टेट सब्जेक्ट्स के। अब देखते हैं कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, समवर्ती सूची जिसे कहते हैं, है ना, हिंदी में कहेंगे समवर्ती,
जिस पर कानून दोनों बना सकते हैं, सेंटर भी बना सकती है, स्टेट भी बना सकती है, लेकिन इसमें जो सेंटर बोलेगा वही क्या होएगा, आपका मान्य होगा। तो इसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं, अभी 52 हैं, पहले 47 थे, लेकिन बाद में स्टेट लिस्ट से 5 सब्जेक्ट्स को हटाकर समवर्ती मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। तो वो कौन कौन से हैं, तो वो है आपका एजुकेशन, शिक्षा, फॉरेस्ट, जंगल, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, इनके प्रोटेक्शन, वेट्स एंड मेजर्स कौन से यूज होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस, जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़ते हैं, है ना, उसमें किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा कानून का, ये सब। तो ये 5 टॉपिक्स जो हैं, ये बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, मेरी लाइव क्लासेस चलती है हर ऑल्टरनेट डेज में एट 9:30 AM, उसे देखिए, वहां पे मैंने क्वेश्चंस के साथ में डिटेलिंग भी बताई और मैंने वहां आपको बताया है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी जी के द्वारा कराया गया था और बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, एंड दैट इज द रीजन इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो ये 5 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें ट्रांसफर कर दिया गया स्टेट से, इसको ट्रांसफर करके कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया कि अब उस पर कौन कानून बना सकता है, दोनों को हक है, सेंटर को भी हक है और स्टेट को भी हक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट जो है, ये हमने बोरो कहां से की है, कॉन्करेंट लिस्ट को हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, याद रखिएगा। सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास में ये पावर्स हैं कि वो क्या कर सकते हैं, लॉज बना सकते हैं, कौन से लिस्ट के अंदर में, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में, 3 सब्जेक्ट्स है ना, और ऐसे 3 सब्जेक्ट हैं जिस पर स्टेट और सेंटर दोनों टैक्सेस ले सकते हैं, मतलब कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में ऐसे 3 सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर में टैक्सेस लिए जा सकते हैं सेंटर और स्टेट दोनों के द्वारा। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई लॉ बनता है और अगर स्टेट और सेंटर दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी लॉ बनाएगी वही मान्य होगा, है ना, प्रिवेल्स। वैसे लॉ नहीं होता है एक्चुअली, ये कहना चाहिए कि जो सेंटर बोलेगा, अगर सेंटर को ये लगता है कि स्टेट के द्वारा जो लॉ बनाया गया है वो ज्यादा इफेक्टिव है, तो उसे मान्य दिया जाएगा, और अगर सेंटर का सही रहेगा तो सेंटर तो अपना ही चलाएगा फिर सेंटर, तो इसलिए ये कहा जाता है कि सेंटर गवर्नमेंट के जो लॉज हैं वही क्या करेंगे, प्रिवेल करेंगे, क्योंकि हमारे में क्या है, जो सेंटर है दैट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए कुछ ऐसे टॉपिक्स देखते हैं जिस पर, जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है और जिस पर ये दोनों क्या कर सकते हैं, लॉज बना सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया एजुकेशन, तो देखिए अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तो इस पर क्या हुआ, पार्लियामेंट ने अपने लॉज बनाए। आप देखिएगा स्टेट भी लॉज बनाती है अपनी, अलग अलग स्टेट्स जो है वो अलग अलग तरीके से एजुकेशन पे पॉलिसीज लाती रहती है, तो इट डिपेंड्स कि किसको आपको चलाना है। देन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट पे भी हक दोनों का है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये किससे रिगार्डिंग है, ये है रिगार्डिंग आपके एनवायरनमेंट से, और एनवायरनमेंट आपका नेशन वाइड प्रोग्राम होता है। देन ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियंस जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं, है ना, तो इस पर भी कौन बना सकता है कानून, सेंटर और स्टेट दोनों। मैरिज, मैरिज अभी बहस भी चल रही है कि ये जो मैरिज कि जो एज है गर्ल्स की, तो उसे बढ़ाया जाए, जो 18 है उसे बढ़ाकर 21 किया जाए, तो वो कितना सही है या कितना गलत है, तो इस पर भी बहस चल रही है ना। तो ये क्या, किसका पार्ट हुआ, ये कॉन्ग्रेंट है, मतलब सेंटर और स्टेट दोनों इस पर लॉ बना सकते हैं। देन एडॉप्शन, एडॉप्शन अगर करना है, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ है ना, बर्ड्स और वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन, बर्ड्स एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ये इसको क्या किया था 42nd अमेंडमेंट के बाद में, इसको इसमें ले आए थे कॉन्करेंट लिस्ट में, पहले ये स्टेट लिस्ट के अंदर में था, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपका नेशन वाइड एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, तो इस पर दोनों लॉज बना सकते। देखिए
जब भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा ना, आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। आप न्यूज देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा, बहस न्यूज ये सब जब देखोगे ना, अपने आप आपका दिमाग खुलेगा। इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि रीड पॉलिटी फ्रॉम पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स देखिए, लोकसभा न्यूज देखिए, राज्यसभा न्यूज देखिए, तो आपको अपने आप आपका संविधान जो है वो समझ में आने लग जाएगा। आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आई होंगी, ये तीनों लिस्ट कैसे होती है, सेवंथ शेड्यूल्स क्या होते हैं। कोई भी डाउट रहे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और बताइए कि ये आपको लेक्चर कैसा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहिए और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं मैं आपके लिए उस पर वीडियो लेकर आऊं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग।